हम यहां से जब जाएंगे तो देश के गृह मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे कि उनकी सरकार वहां क्या कर रही है, उनकी सरकार वहां किस तरह जुर्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो सड़कें सुनेंगे हमारी बात, क्योंकि हम भीमार में आजाद समाज पार्टी को ताकत को जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिनके पास लोग होते हैं उनकी सुनवाई ताना साहब को भी करनी पड़ती है। आप ये बताओ ऐसा क्या हुआ कि एसपी दफ्तर में आग लगी और सिर्फ आबकारी की फाइल ही चली, ऐसा क्या हुआ? बाहर आग नहीं लगी और अंदर आग लग गई, ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में बैठ के कोई आदमी आग लगा रहा हो? ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में बैठ के कोई आग लगा रहा हो अपने किसी माफिया साथी को बचा रहा हो, किसी की मदद कर रहा हो, किसी को जेल जाने से बचा रहा हो, किसी को किसी से कुछ सुविधा लाभ लेकर गरीबों के बच्चों को फंसा रहा हो? ऐसा तो नहीं है। कहां था इंटेलिजेंस, कहां था एलआईयू, कहां थी पुलिस, कहां था प्रशासन? इतने लोग आए थे, क्यों नहीं बात करी? जिलाधिकारी मौके पे क्यों नहीं पहुंचा? आज इतनी फोर्स लगाई है, अगर इतनी फोर्स उस दिन लगाई होती तो पत्ता भी नहीं हिलता। और इतने लोग यहां हैं, बताओ पत्ता कहां हिल रहा है? इनमें से कौन ऐसा है जो किसी को बुरा कह रहा है? लेकिन बुरा तो उस दिन भी नहीं कह रहा था, ये तो सत्ता और विपक्ष की मिली भगत थी जिसमें मेरे लोग पिस गए, जो बेचारे गुरु घासीदास जी के सम्मान में, जो सतनामी समाज के सम्मान में गए थे वो बेचारे पिस गए, और वो नौजवान पिस गया जो समाज को परिवार से भी बड़ा मानकर एनी चोटी का जोर लगाकर पूरे प्रदेश में जुल जाति के खिलाफ लड़ रहा है। मैं समझता हूं क्योंकि हम सत्ता के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए जानबूझ के हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए हमारे नेताओं को टारगेट किया गया है। विश्वास करो, सबसे ऊपर है कानून और कानून से ऊपर है संविधान, कोई संविधान से बाहर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा, और अगर गृह मंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा। सतनामी समाज था, सतनामी समाज है, और सतनामी समाज अनंत अनंत तक रहेगा। ये गलत छवि अपने दिमाग में रखना। मैं आज राज्यपाल जी से भी मिला था, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई घटना बड़ी चिंताजनक है, दफ्तर में आग लगी है। तो मैंने कहा तो आग लगाने वालों को गिरफ्तार करो, आग बुझाने वालों को गिरफ्तार मत करो। मैं तो आपसे कह रहा हूं जिसने आग लगाई है आप सीबीआई जांच कराओ उस घटना की, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन जिन लोगों ने अपने सम्मान आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जो वहां गए थे, उन लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालने का या उनको उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम मत करो। मैं उनको ज्ञापन देके आया हूं और मैं फिर आपसे कह रहा कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? दोनों हाथ जोड़ बताओ कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? हम चुप इसलिए हैं, हम ये जुल्म इसलिए सह रहे हैं। मैंने वीडियो ट्वीट की थी, यही सब बहादुर लोग थे, अलग अलग वर्दी वाले लोग जो लातों से पीट रहे थे। वकील है, कितने मेडिकल हैं आपके पास? कितने लोगों पे 307 लगाई? कितने लोगों को चोट आई? एक आदमी को चोट लगी, 10 आदमी को चोट लगी, 100 लोगों ने चोट मारी कि 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया? और आप लोगों ने जो किया, आपकी वीडियो एविडेंस नहीं है क्या कि आप जूतों से पीट रहे, गिरा गिरा के लाठियों से पीट रहे? आपको किसने दिया पीटने का? पुलिस का काम कब से हो गया?